ऑफ रोड का पेच है, तो गाड़ी का जिस हिसाब से कि पिकअप है ये तीन नंबर गियर में ये ऊबड़ खाबड़ में चढ़ रहा है और कोई जैसे ज़्यादा स्ट्रगल नहीं कर रहा है, आराम से उठ। दोस्तों स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो भाई TVS Apache RTR 164V सिंगल चैनल ABS का आज हम लोग करने वाले राइड रिव्यू, तो वीडियो पे कंटिन्यू रहिए और मजा लीजिए कि कैसा आता है, क्या परफॉर्मेंस आता है और कितना स्पीड भागता है। तो ऑफ रोड भी करेंगे और थोड़ा इसको रोड पर भी लेके जाएंगे, तो वीडियो में कंटिन्यू रहिए। तो भाई अब अपना हेलमेट पहन लिए और पहले अपना चाबी देख लीजिए, तो कुछ इस तरह का चाबी है। और भाई अगर हैंडल थोड़ा दाएं बाएं दिखेगा तो एडजस्ट कीजिएगा, क्योंकि भाई अपना जो कैमरा एक कॉर्नर में है, हैंडल सीधा है, अपना मोबाइल टेढ़ा है। तो अब गाड़ी स्टार्ट करते हैं और ये थोड़ा सा ऑफ रोड है, ज़्यादा नहीं। इधर अपना ऑन हो गया, रेडी टू रेस, और ये फर्स्ट गियर, काफ़ी अच्छा स्पीड भाई भाग रहा है पीछे, और पीछे अपना भाई भी आयुष, पकड़ना नहीं होगा ऐसे ही रहो। और ये रहा अपना, तो भाई हमारे पास ऑफ रोड, और इसको लेके चलते हैं ऑन रोड तरफ। इसका स्पीड अभी तीन गियर पे है, लेकिन RPM जा रहा है 3-4 क्रॉस करते करते, काफ़ी अच्छा भाग रहा है अभी। तो भाई 5 गियर है, और ये रहा ना भाई 2 गियर देख रहे काफ़ी, लेकिन गाड़ी काफ़ी स्मूथ है भाई, गाड़ी काफ़ी स्मूथ है। और इधर थोड़ा रोड में इसको घुमाएंगे, आप लोग बताइए कैसा रहता है। और जो भावेट है कुछ नहीं है, गाड़ी स्मूथ है। और स्पीड एक बार देखते हैं कितना है, इस कितना भागता है। हॉर्न भी देख लीजिए, और भाई ये 4 का स्पीड और ढलान है, 5 का स्पीड, 50 का अच्छा भाई, और नज़ारा भी देख सकते हैं। ये अपना यार 73-74 भाई, ब्रेक की अगर बात करें तो ब्रेक भाई इस देख सकते हैं 80 का स्पीड में रोके तुरंत रुक गया, काफ़ी अच्छा नज़ारा भी देख सकते हैं भाई अपने एरिया का, 50 तुरंत भाग जा रहा है गाड़ी भाई, गाड़ी काफ़ी अच्छा भाग रहा है भाई। जो 160 का जो पावर है और स्ट्रोक वायर बोर्ड का काफ़ी अच्छा है। और ये टर्न है, तो टर्न में भी भाई टर्न करके देखते हैं काफ़ी कैसा रहता है। ये टर्न ब्रेक तुरंत ले रहा अपना, और ये देखिए काफ़ी अच्छा है, यहीं से घुमाते हैं। ये ब्लैक रोड अपना ख़त्म, और मिरर में भी देखते रहिए, इधर वाला मिरर थोड़ा सेट नहीं है, पिकअप भी काफ़ी अच्छा है, इस मिरर को थोड़ा सेट करना चाहिए। अब मिरर ठीक सेट है, साइड में ही दिखेगा, तो मिरर सेट ही नहीं था, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस भाई। और जो वाइब्रेटर हैंडल में ऐसा कुछ मुझे वाइब्रेट नहीं लगा, 70-80 का स्पीड में भी जा रहे हैं, कोई वाइब्रेट नहीं लगा। प्लेन रोड तो भाई नहीं मिलेगा, तो वैसे ही मैं आप लोगों को दिखा दूँ, लेकिन परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, और सस्पेंशन भी काफ़ी आराम है, क्योंकि भाई अभी आपको एक सस्पेंशन नहीं पता चलेगा, आपको एक अलग रोड पे लेके जाएंगे तब आप सस्पेंशन भी समझिएगा कि किस तरह से सस्पेंशन। अभी तो चलिए मेन रोड में सस्पेंशन इस तरह का समझ में नहीं आ रहा, लेकिन काफ़ी हद तक इसमें कहीं के मिल रहा देख रहा है, जैसे ये अप डाउन है। और ब्रेक देखिए, मान के चलिए 50 में 50 तक चढ़ा के ब्रेक लेते हैं, ये रहा 50 पैनिक ब्रेक, तुरंत देख सकते हैं 2 सेकंड लगभग लग रहा है। अगर पैनिक ब्रेक भी कहीं लेना पड़ा तो भाई ठीक है, लेकिन अगर पीछे भी ABS मिल जाता ना तो काफ़ी अच्छा रहता। तो भाई अब भाई लोग को नहीं लेना तो क्या करें, एक बार और भगाते हैं, पकड़ लो भाई 4 गियर भाई, भगाने के लिए सीधा रोड मिले और भगाने पैनिक ब्रेक। तो देख रहे मीटर किस हिसाब से घट रहा है, और आपको थोड़ा ऑफ रोड में लेके जाते हैं। तो भाई पीछे भी अपना भाई बैठा हुआ है, तो वो पकड़ ले रहा है, अब छोड़ सकता है। तो ये देखिए भाई, ये अपना माइंस का रोड है, ये देख रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा मतलब पता नहीं चल रहा है कि गाड़ी कुछ ही है,
आपको अभी ज़्यादातर मान के चलिए ख़राब रोड नहीं है मिलेगा, आजकल का आपको ज़्यादातर अच्छा रोड जानने को मिल जाएगा। तो भाई अगर मान के चलिए कभी ऑफ रोड भी पैच मिल जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इधर क्योंकि देख रहे हैं इधर इधर काफ़ी सस्पेंशन जगह खेल रहा है लेकिन कुछ ऐसा फील नहीं हो रहा है। और अभी देखिए चार गियर में ही हो रहा है लेकिन कोई नहीं, पिकअप काफ़ी अच्छा है। वो जो अपना पुराना वाला ऑफ रोड में नहीं ले गया क्योंकि बरसात हो गया, देख रहे चारों तरफ पानी ही पानी है, तो इसीलिए भाई इसी रोड में ही कर रहे हैं। लेकिन भाई परफॉर्मेंस अच्छा है, देखिए कितना ख़राब रास्ता, आपको ऐसा रास्ता बहुत कम ही देखने को मिलेगा क्योंकि भाई आजकल ज़्यादातर रोड बन चुका है। तो एक बार आप और खींचते हैं दूसरा किसी रोड पर क्योंकि भाई उधर काफ़ी पानी है और भाई लोग गाड़ी नया नया धोया हुआ है कचरा कर क्यों दे। और ये किया, ये तो ये अर्बन मोड में था, गाड़ी को रेस स्पोर्ट मोड में करना होगा और भागेगा गाड़ी। अर्बन मोड में किया हुआ था, यहाँ से मोड को चेंज कर स्पोर्ट मोड, स्पोर्ट मोड में गाड़ी और भागेगा। एक और बार ट्राई मारते हैं फुल स्पीड में क्योंकि भाई वो अर्बन मोड किया हुआ था। अभी हम देखें यहाँ पर, देखिए मोड आता है स्पोर्ट अर्बन ट्रेन, तो कोई दबा दिया होगा तो भाई इसीलिए अर्बन मोड में था। एक बार स्पोर्ट मोड में देखते हैं कितना स्पीड भाग रहा गाड़ी। और भाई यही अपना ऑफ रोड का पेश है, तो गाड़ी का जिस हिसाब से कि पिकअप है ये तीन नंबर गियर में ये ऊबड़ खाबड़ में चढ़ रहा है और कोई जैसे ज़्यादा स्ट्रगल नहीं कर रहा है, आराम से उठ जा रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि गाड़ी में और गियर में एक घटाओ, ऐसा नहीं लग रहा है जो अपना चार गियर हो गया। तो यार इस टाइप का रोड में चार गियर में वगैरह मतलब पिकअप काफ़ी अच्छा है गाड़ी का, नहीं तो क्या होता है कि आपको कम लगने लगेगा। देखिए ये रोड से हम ऑफ रोड में तीन नंबर गियर उठा रहा है, तो भाई अब एक बार स्पोर्ट मोड में चला के देखते हैं। तो देख सकते हैं चार गियर लगा है, स्पीड में फर्क आ गया भाई। अर्बन मोड में थोड़ा सा कम लगा था, देखिए स्पीड में भी ज़्यादा लग रहा था लेकिन अब देखिए स्पीड में देख रहे सत्तर का और रोड ही नहीं मिल रहा हमको। देखिए यहाँ पर टर्न आ जा रहा, कितना बड़ा टर्न है। तो इस हिसाब से भाई अगर टर्न में इतना हैवी गियर ले लिया तो भाई लोचा है, तो स्पीड काफ़ी अच्छा है भाई। और एक गियर में भी देखिए गाड़ी को घुमा रहे हैं तो उतना ही नहीं है, लेकिन हाँ इसका थोड़ा हैंडल जिस हिसाब से आप अगर मान के चलिए 100 cc से बाइक चलाते हैं तो आप सोचिएगा कि हैंडल जिस हिसाब से घूमता वो नहीं घूमे, हैंडल इतना ही कर्व होगा। तो भाई उसमें थोड़ा आप नया गाड़ी जब भी चेंज गाड़ी करते हैं तो थोड़ा सही कर लीजिएगा ताकि भाई हैंडल में आप जितना है दूसरा भाई कटिंग कर लीजिएगा ये उतना नहीं घूम रहा है। जैसे तो पिकअप काफ़ी अच्छा है, एकदम स्मूथ आ रहा है पिकअप, और इधर पिकअप की एकदम पिकअप एकदम स्मूथ आ रहा है। और इधर से स्मूथ स्पोर्ट मोड, रेड रेन मोड, तो रेन कहाँ घुसा दे गाड़ी, रेन बारिश गिरे तो ठीक है लेकिन बारिश तो अभी होने रहा तो अपना भाई रेन मोड तो फिर कभी चेक होगा। भाई लोग को समझना होगा कि रेन मोड रेन कीचड़ के लिए सिर्फ ना स्लीपरी के लिए होगा, लेकिन थोड़ा सा भाई अगर डुअल चैनल ABS ले लेता ना तो काफ़ी अच्छा रहता। सिंगल चैनल ABS ले लिया 2000-3000 का शायद फर्क आया, उतना में भाई ले लेना चाहिए था डुअल चैनल में तो काफ़ी अच्छा रहता उसमें, डुअल चैनल ABS ले लेने से अच्छा रहता। पिकअप काफ़ी अच्छा, साउंड भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब जिस तरह का डुब 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 की आवाज़ आ रहा है। तो चलिए वीडियो कैसा लगा बताइए, चैनल में नया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। देखिए घुमाने में ये देखिए तुरंत आप सोचिए घुमा लेंगे, वो चक्कर मत रहिए गिरने का चांस रहेगा भाई। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा है पिकअप का भी सारा चीज़ ठीक है।